नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा किसान भाइयों बहनों सोमवार से शुक्रवार हम बजे आपके लिए लेकर आते हैं हमारा कार्यक्रम हेलो किसान और आपको एक मंच प्रदान करते हैं ताकि आप खेती किसानी से जुड़े हम जो विषय शामिल कर रहे हैं उनसे संबंधित सवाल हमसे पूछ सकें तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको बता देते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि बाजार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी हाँ राष्ट्रीय कृषि बाजार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज के हमारे कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं और इन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं उनको पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर हैं एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ शून्य और एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ एक बार आपके लिए दोहरा देते हैं एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ शून्य और एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छ एक ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर

तो देखिए किसान भाइयों बहनों आज के हमारे विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है टोल फ्री नंबर आपको बता दिया है और लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर भी ये फ्लैश किए जा रहे हैं अगर आप मिस कर चुके हैं कि मैंने जो टोल फ्री नंबर आपको बताया था तो आप नोट डाउन कर सकते हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय भी करवा दिया है तो बिल्कुल भी समय मत गवाइए आपके जो भी सवाल हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में यहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं तो आपके फोन कॉल्स

कि भारत सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए भारत में एक राष्ट्र और एक बाज़ार की परिकल्पना की तथा यह तय किया गया कि पहले प्रोग्राम के अंतर्गत जो ती, आ, तीन चरण में था जिसमें देश के पाँच मंडियों को इस इनाम प्रोग्राम में जोड़ा जाए और यह बात जानकर आपको खुशी होगी कि 31 मार्च 2018 तक देश के पाँच मंडियां ई नाम में जोड़ी जा चुकी हैं इस सफलता के आधार पर भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 200 मंडियों को और इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए ताकि अभी तक 16 राज्य तथा दो यूनियन टेरिटरी के अलावा और भी राज्य इसमें सम्मिलित हो सकें और सम्मिलित राज्यों में भी इसका विस्तारण किया जा सके इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान इन मंडियों से अपनी जिन्स भारत के किसी भी कोने में बेच सकता है इससे किसानों को एक बृहद बाजार तथा उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं अब इसमें धीरे धीरे प्रगति हो रही है और यह देखा जा रहा है कि बहुत किसान इससे जुड़ रहे हैं और मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि तात्कालिक जानकारी के अनुसार अभी तक सैंतालीस हज़ार एक सौ चालीस करोड़ रुपए का व्यापार इस पे हो चुका है जी। और बहुत लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं जी काफ़ी लोग जो, जो हैं इससे लाभान्वित हो चुके हैं और काफी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के दौरान जो जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बाद इससे जुड़ेंगे और वो भी अवश्य ही लाभान्वित होंगे बिल्कुल इससे संबंधित जानकारियाँ और भी आप तक पहुँचाएंगे लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं हर किसान सपना देखता है उसे अपनी खून पसीने की मेहनत और इंतजार के फल स्वरूप फसल का पूरा और जायज मूल्य मिले उसका परिवार भी फले फूले और किसान होना उसके लिए मजबूरी नहीं गर्व और सम्मान की बात हो योजना की शुरुआत जिस विश्वास को लेकर की गई थी उसका साकार रूप आज मंडियों में दिखाई देने लगा है इस योजना की सफलता इसी बात से पता चलती है कि नाम के अंतर्गत 200 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य था लेकिन 250 मंडियों को अब तक जोड़ा जा चुका है। इन 250 मंडियों में किसान और व्यापारी एक ही पोर्टल पर आकर व्यापार कर रहे हैं किसान अपना पंजीकरण कराता है और अपने उत्पाद की पूरी जानकारी देता है उसके बाद फसल का गुणवत्ता मानकों पर टेस्ट होता है और गुणवत्ता अनुसार उसकी श्रेणी निर्धारित की जाती है और अब उसी श्रेणी के के आधार पर उस फसल की कीमत ऑनलाइन तय होती है जिसे किसान के साथ साथ मंडी के सभी व्यापारी देख सकते हैं किसानों की उम्मीदों आशाओं और सपनों को इनाम नए आयाम दे रहा है और कृषक होना किसी व्यवसाय चलाने की तरह ही लाभदायक और सम्मान का काम बन रहा है लेकिन इस राह में एक एक राष्ट्र, बाजार का लक्ष्य अर्जित करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे के साथ इनाम प्रोजेक्ट जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है उससे एक समृद्ध किसान का लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल तय साबित हो रहा है हमारी एक खास रिपोर्ट राष्ट्रीय कृषि बाजार पर आधारित आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो योजना, योजना आखिर है क्या जैसा कि किसान भाई जानते भी होंगे ये योजना दो साल पहले खरीफ 2016 से शुरू की गई है इसका मुख्य जो आकर्षण है वो है एक राष्ट्र एक दर मतलब यह है कि किसान को पूरे राष्ट्र में एक फसल के लिए समान दर से प्रीमियम देनी होती है और इसमें कुछ जो अगर प्रीमियम दर ज़्यादा आती है तो सब्सिडी सरकार से कंपनियों को सीधे खाते में जाती है और इसके लिए योजना दो भागों में जनरली हम देखते हैं भारत में दो तरह की सीज़न है खरीफ है रबी है अभी खरीफ सीज़न शुरू हो चुकी है इसके पहले राज्य सरकार उस योजना को पहले अंगीकृत करती है अपने यहाँ और कंपनियों का अलॉटमेंट करती है जिस कंपनी को भी वो डिस्ट्रिक्ट वो ज़िला मिलता है उसको बीमा करने का अधिकार उस जिले में होता है इसके लिए किसान भाई अगर जो यो, बीमा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है कि कब तक योजना में शामिल हो सकते हैं इस, किसानों के लिए इसमें दो तरह के किसान मुख्यतः हैं एक तो वो हैं जो कि बैंकों से ऋण लेते हैं दूसरे वो हैं जो ऋण नहीं लेते हैं जो लेते हैं या नहीं लेते हैं दोनों के लिए बीमा में शामिल होने की अवधि इकत्तीस जुलाई रखी गई है खरीफ में और यही रबी में जाकर के इकतीस दिसंबर होती है और ये ये जो तिथि है ये मोट, मोटा मोटी सभी राज्यों में एक समान है लेकिन राज्य अपने क्षेत्र के अनुसार इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं जी।

और सूखा खेती को बर्बाद करते रहते हैं बाढ़ के कारण खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है पिछले 20 साल के दौरान फसलें नाकाम होने और कम उपज के कारण पूरे देश में बहुत सारे किसानों को निराशा हाथ लगी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी योजना है जिसे किसानों की फसल का बीमा करने के लिए शुरू किया गया है ये किसानों को फसल के नाकाम होने और अचानक आने वाली आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए है जिन किसानों ने अपनी फसलें फसल बीमा योजना के तहत बीमित कराई थी उन्हें अपने परिवारों की देखरेख और परवरिश के लिए आर्थिक मदद मिली और वो खेती का काम जारी रख पाए इस योजना से किसानों और उनकी फसलों को जोखिम के प्रति अधिकतम कवरेज मिली 40 करोड़ से भी ज्यादा किसान इस पहल से लाभ उठा चुके हैं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को तैयार उभरते भारत के ऐतिहासिक सफर में ये एक अनोखा मील का पत्थर है

बाजार है एक, तर, एक तरह से अपने आप में एक स्पेशलाइज बाजार के रूप में उभरेगा और जो वर्तमान में मंडियां हैं वही मंडियां अपग्रेड होकर के उनको वो सुविधाएं देगा जहां पर किसानों को पहले दिक्कत आती थी अब आप एक आम मंडी की बात करें जहां पर किसान अपने जींस लेकर के जाता है उस समय उस जींस की कोई आवक की सूचना नहीं होती है कि उस मंडी में कितनी मात्रा में कौन से किसान कितने नंबर आए कहाँ उन्होंने उसका व्यापार किया और ऑक्शन होता है लेकिन वो ऑक्शन जो ट्रेडर है वो अपने तरीके से करता है जिससे कभी कभी किसान संतुष्ट नहीं होता इस सुविधा के माध्यम से किसान एक बार राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी एक आईडी क्रिएट होती है और वह उस आईडी के आधार पर जब भी अपनी किसी भी जिन्स को बेचने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में जाएगा तो वो अपना आईडी नंबर कोड करते हुए गेट एंट्री पर अपनी सूचना दर्ज कराएंगे और जिस प्लेटफॉर्म पर उनके उस जिन्स का ऑक्शन होना है वहाँ पर अपने प्रोड्यूस को वहाँ पर रख कर के उसमें से सैम्पलिंग की जाएगी सैम्पलिंग के पश्चात जो ऐसे रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा अब अपलोड करने के बाद उस स्टॉक को फिजिकल ऑक्शन करने के बजाय आप ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हैं और जितने भी व्यापारी हैं चाहे वह स्थानीय मंडी के हों या दूर दराज के मंडी के हों या फिर राज्य के बाहर के मंडी के ट्रेडर हों उस ऑक्शन बिड पे जाकर के अपने रेट्स को वो दर्ज करा सकते हैं इससे किसानों को ये फ़ायदा मिलेगा कि उनके जिन्स की कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी और अच्छे दर आने की संभावना बनेगी अभी 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 कभी ये देखा जाता है कि किसी मंडी में पाँच छः सात आठ दस बीस यही ट्रेडर हैं जो सामान्यतः किसी भी जिन्स की वो वो ट्रेडिंग करते रहते हैं तो वही लोग उसको ख़रीदेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई किसान उस मंडी में गया तो उन्हीं 20 लोगों के बीच में उसको बेचना है लेकिन जब आपने उसको एक व्यापक बेचने की सुविधा प्रदान की जहाँ पर सैकड़ों व्यापारी उस प्रोड्यूस को देख रहे हैं और वह एसिंग रिपोर्ट के आधार पर उसको ख़रीद रहे हैं या बिडिंग कर रहे हैं तो तो एक तरीके से मुझे आशा है कि उस रेट में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी तथा किसान को सेटिस्फैक्शन मिलेगा जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते हैं आगे अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं कैसे इससे लाभ ले सकते हैं ऐसी और जानकारियाँ लेंगे इनसे लेकिन उससे पहले हमारे एक आज के कार्यक्रम के जो पहले कॉलर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका प्रश्न जान लेते हैं इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से रविशंकर जी आइए उनका प्रश्न ले लें हेलो हाँ जी हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं जी, हम, जी हमारे है, हमारे उन्होंने कार्ड है उनका पंजाब नेशनल बैंक से वो पिछली बार से उनका बीमा नहीं दिया बैंक वालों ने बोल दिया कि आपका बीमा नहीं हो पाया आप बीमा योजना जाए? से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते जी, जी. जी, एक बार दोहरा दीजिए रविशंकर जी एक बार दोहरा दीजिए अपना सवाल जी हमारे मित्र हैं उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार्ड बनवाया है जी और पिछले वर्ष उनके कार्ड में से बीमा नहीं आया वो वहाँ में साथ में गया हम साथ में गए तो वो बोले कि आप कभी उन्होंने बीमा नहीं काटा वो पैसे भी नहीं दिए बीमा के जी आपने बीमा करवाया था और आप कहना चाहते हैं कि वो रिन्यू तो नहीं हुआ है दोबारा नहीं काटते है बैंक वाले नहीं नहीं मैं रहा तो बैंक वालों की है हाँ उनको हाँ किसान भाई जरा ध्यान दें मैं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपकी सवाल से कि आपके कोई मित्र हैं वो उनका बीमा नहीं आया मतलब उनको क्लेम नहीं मिला जब उन्होंने पता किया बैंक में जाके तो बैंक वालों ने बताया कि आपका बीमा नहीं किया गया था तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लोनी किसान हैं अगर आपने बैंक से किसी फसल उगाने के लिए लोन ले रखा है ऋण सीमा बना रखी है और वो फसल जिसकी आपने ऋण सीमा बनवाई है वो अगर राज्य सरकार उसे अधिसूचित करती है उस सीज़न में तो बैंक की ज़िम्मेदारी है कि जो उचित प्रीमियम है जो कि खरीफ में फिक्स किया हुआ है दो परसेंट और रबी में डेढ़ परसेंट वो प्रीमियम काट करके आपके खाते से संबंधित बीमा कंपनी को प्रेषित करेगी और इस तरह से उसका बीमा हो जाएगा कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक वाले बहुत से कारण हो सकते हैं उसके कि वो सही समय में प्रीमियम नहीं डेबिट करते हैं उनके खाते से और बैंक इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेज पाते हैं इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा किसान भाइयों से खासकर कि वो आप भी जागरूक रहें समय के अंतर्गत जो पहले भी बताया गया है इकतीस जुलाई और इकतीस दिसंबर इस दौरान जा के बैंक में पता कर लें कि आपका बीमा हुआ है कि नहीं कि अगर समय में बीमा नहीं हो पाएगा तो उससे संबंधित जो भी लाभ हैं जो भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है वो आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा तो पिछले इसलिए अगर इस सीज़न करीब सत, सत अठारह आने वाला है कट ऑफ डेट उसका पहुंचेगा अभी दो महीना समय है तो आप पहले ही जागरूक रहें बैंक में जाएं उनको कहें कि हम आपका बीमा जो है सही फसल के लिए सही समय पे कर दिया जाए जी बिल्कुल आइए बढ़ते हैं आगे एक और कॉलर जुड़ गए हैं हरियाणा के हिसार से हमें कॉल किया है रामप्रसाद जी ने आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं हेलो 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 आजी नमस्कार जी हेलो अरे नमस्कार जी जी नमस्कार रामप्रसाद जी क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप जो ये सांतो कुचासी मंडी चल रही इसका क्या मकसद है किसान अपना माल घर बैठे बेच सकता है तो इसके बारे में किसान का आप अपना प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए हम साफ तौर पर आपका प्रश्न यहाँ सुन नहीं पा रहे हैं तो क्या है अपना माल ऑनलाइन बेच सकता जी अलो? जी बिल्कुल जहां तक हम समझ पा रहे हैं राम प्रसाद जी आप ये पूछना चाहते हैं कि जो राष्ट्र कृषि बाजार में जितनी भी मंडियां हैं पांच सौ पिचयासी मंडिया है वहां पर अगर आप अपनी फसल को लेकर जाते हैं तो उसका किराया किस तरीके से कौन व्यय करेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सुनील जी जानना चाहते हैं कि उसके किराए के बारे में क्या जानकारी आप किसी भी मंडी में जब ले, अपनी जींस लेकर के जाते हैं तो जींस ले जाने की जिम्मेवारी तो आपकी है जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो आज आप बेयर कर रहे हैं वही कॉस्ट आप राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में भी बेयर करेंगे लेकिन वहाँ पे सुविधाएँ आपको ज़्यादा मिलेंगी इसीलिए चांस है कि आपका जो जेंस है अच्छे दर, अच्छे दर पर बिकेगा जी बिल्कुल तो राम प्रसाद जी देखिए आप अभी तक भी मंडियों में रुख करते थे अपनी फसलों का ले जाते थे तो उसका किराया आपको ही देना पड़ता था पर राष्ट्र कृषि बाज़ार से अगर आप जुड़ते हैं तो अन्य कई फायदे जो हैं वो आपको मिल पाएंगे सीधे सीधे तौर पर आपके जो मुनाफा है उसमें भी वृद्धि हो पाएगी बिल्कुल बढ़ते हैं आगे सुनील जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि राष्ट्र कृषि बाज़ार में कौन कौन सी वो जो फसलें हैं जो शामिल हैं कौन कौन सी जिनस हैं जो हमारे किसान मंडियों में ले जा सकते हैं बिकवाली के लिए अभी तक 90 जिन्स राष्ट्रीय कृषि बाजार में ट्रेड होने के लिए नोटिफाई किए गए हैं इसमें तिलहन दलहन फूड ग्रीन और फल सब्जियाँ मसाले सारे सम्मिलित हैं अब मुख्यतः यदि आप मंडियों में जो आवक होती है चाहे आप गेहूँ लें पैडी लें चना लें मसूर लें आ, अरहर सोयाबीन तिलहन तिलहन में आप सरसों लें और सूरजमुखी ये सारे प्रोडक्ट्स ये सामान्यतः बिकते हैं लेकिन 90 जिन्स हैं जिसकी लिस्ट राष्ट्रीय कृषि बाजार की पोर्टल पे है और वह विफिन कैटेगरी के, के जैसे मैंने आपको बताया तिलहनी उत्पाद हो या दलहनी उत्पाद हो फूड ग्रेन हो हॉर्टिकल्चर हो फ्रूट्स हो मसाले हो बहुत वाइड रेंज है जी बिल्कुल तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगभग 90 फसलें ऐसी हैं जिनका जो व्यापार है या फिर कहें कि जिनकी बिकवाली जो है हमारे किसान राष्ट्रीय कृषि बाजार पर कर सकते हैं उससे मुनाफा कमा सकते हैं बिल्कुल बढ़ते हैं आगे कौर कॉलर जुड़ गए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से प्रेम सोनी जी ने हमें कॉल किया है आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं हेलो जी।, जी जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप जी ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है इसका कैसे कार्य कार प्रणाली है इससे कैसे हम जुड़ सकते हैं आप इससे जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल बताएं सुनील जी एक बार फिर दोहरा दीजिए कि हमारे जो किसान हैं काफी जागरूक लग रहे हैं जुड़ना चाहते हैं आप से. आप किस जिले से उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं जी हम लखीमपुर खीरी जिले से हैं लखीमपुर उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी तिहाई मल्टी राष्ट्रीय किसी बाजार में जुड़ चुकी है आपसे आग्रह यह है कि जब कभी भी आप अगली बार आप मंडी में जाएं तो आप अपने डिटेल्स जैसे आपका नाम आपके पिता का नाम आपका गांव आपका पंचायत आपकी कितनी लैंड होल्डिंग है उसमें कौन कौन से आप फसल उगाते हैं आपके बैंक के डिटेल्स क्या हैं और आधार कार्ड त, या अन्य पहचान पत्र लेकर के जाएं और आप वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बाजार में का जो ऑफिस होगा उसमें जाकर के आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं या फिर जब पहली बार आप उस मंडी में अपनी कोई भी जिन्स लेने के लिए जाएंगे तो जैसे आप गेट पर अपनी ट्रॉली या किसी भी साधन जिस साधन से आप अपना सामान लेके जा रहे हैं तो गेट इंट्री के के समय ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा लेकिन अच्छा। यह एडवाइजेबल है यह आपको आपके लिए अच्छा होगा कि यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके रखते हैं तो सुविधा होगी आपको आ, अपने जींस को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में बेचने के लिए लेकिन मैं सारे किसान भाइयों से यह ज़रूर आग्रह करूँगा कि जो डिटेल आप दें उसको साफ तथा चेक करके दें क्योंकि सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि बैंक की डिटेल या आईएफएससी की कोड या फिर आपके बैंक के कुछ ऐसे जो सूचनाएं होती हैं वो इनकम्प्लीट रहती हैं जिसके कारण कभी कभी पैसे का त्वरित भुगतान करने में दिक्कत आती है जी बिल्कुल तो पूर्ण जानकारी के साथ लेकर जाएं हमारे किसान जो भी दस्तावेज लेकर जा रहे हैं चाहे वो बैंक से संबंधित हो चाहे वो पहचान पत्र से संबंधित हो तभी आप अगर मंडियों में इसका पंजीकरण करवा कर लेंगे तो आप सीधे तौर पर इसका फायदा उठा पाएंगे बिल्कुल प्रेम जी आप कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में अभी आपने जान लिया आइए बढ़ते हैं आगे कॉल कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मध्य प्रदेश से हेमराज जी ने हमें कॉल किया है आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं हेलो हेलो नमस्कार मैडम जी जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हाँ जी मैं हेमराज बकोरिया बात कर रहा हूँ होशंगाबाद गाँव रांच से जी हाँ मेरा प्रश्न है कि मैडम जी जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में एक बार अपन जैसे करा देते हैं तो वो कितने सालों के लिए हो जाएगा या हमेशा के लिए हो जाएगा या फिर कुछ सालों के लिए होगा और मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि अगर किसान अपना जो कृषि उत्पाद से रहा है ट्रांसफोर्स से जी और उसकी दूरी अगर किलोमीटर किलोमीटर या है, तो तो, तो का खर्चा बहुत ज्यादा और किया अगर जी कृषि बाजार पे अगर आपने पंजीकरण करवा लिया है और आप इस पर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसके बाद अगर दूरी की बात कर रहे हैं आप वो ज्यादा है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं आप हाँ आपसे हाँ, आप जरूर सहमत हूँ क्योंकि राज्य में एक मंडिया राष्ट्रीय कृषि बाजार से नहीं जुड़ी हैं तो हो सकता है कि आप जहाँ पर स्थित हों वहाँ से जो सबसे नजदीक राष्ट्रीय कृषि बाजार है वो दूर है लेकिन एक समय आएगा जब आपके सारी मंडियां आपके प्रदेश की सारी मंडियां इस राष्ट्रीय कृषि बाजार पे जुड़ जाएंगी तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी साथ में मैं, मैं यह भी दोहराना चाहूँगा कि यह यह मेरा मानना है कि यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश में पहले आ, जो अंठावन मंडियां जुड़ी थी उसकी संख्या भी बढ़ रही है और आ, जब एक जिले में दो से तीन यदि मंडियों में मंडियां जब राष्ट्रीय कृषि बाजार डिक्लेयर हो जाती हैं उनमें सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं और उन मंडियों में जब भाव ऊंचे दर पर बिकने जब कृषि जिन्स ऊंचे दर पर बिकने लगता है तो साथ में और भी मंडियां हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है यदि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के दौर पर तौर पर मैं देवास मंडी की बात करूँ मध्य प्रदेश में देवास मंडी जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ी हुई है राष्ट्रीय कृषि बाजार में यदि वहाँ पर चना या सरसों आता है या सोयाबीन आता है वह ऊंची दर पे बिकता है तो उसके बगल में यदि सोन अक्ष आस्था या आसपास की जो मंडियां हैं वह भी इस बढ़े हुए दर से प्रभावित होंगी और उन मंडियों में भी अच्छे दर किसानों को मिलेंगे लेकिन एक समय आएगा जब ये सारी मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ जाएंगी यही भारत सरकार का लक्ष्य है जी बिल्कुल आइए बढ़ते हैं आगे एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनंत चौधरी जी उनका प्रश्न भी ले, ले लेते हैं हेलो हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ जी पहला तो ये कि जैसे जो मंडी लखनऊ की है या सीतापुर की है जी यहाँ यूपी में तो मैं अभी लखनऊ की मंडी में गया था अपने धान के लिए लेकिन वहाँ पे जो सचिव थे उनको कोई जानकारी नहीं थी इन की मैंने उनसे बात बताई भी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है इनाम की तो उनको संबंध में कोई जानकारी नहीं थी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसा पर्सन है रिस्पॉन्सिबल किसी भी मंडी में जिससे मिल करके हम ये जानकारी कर सकते हैं कि इनाम की क्या प्रोसेस है पहली चीज दूसरी चीज हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका ये कहना कि टेस्टिंग होगी और फिर उसको पोर्टल पे डाला जाएगा इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित है कि ऐसे आज अगर सुबह हम मंडी में लेके पहुंचे अपना सामान

ठीक है इसके बारे में मैं आ, अपने अधिकारियों को निर्देश हम लोग देंगे और इसके बारे में उनको ये प्रसार भी अगर इसका कराया जाए कि बोर्ड लगे हो जहाँ पे कि पे कांटेक्ट कर सकते हैं किस पर्सन से जो रिस्पॉन्सिबल हो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक तो आपके यूपी प्रशासन में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं वहां okay. पर उनके नो, एक नोडल ऑफिसर है मैं क्या आप अपना मोबाइल नंबर देना पसंद करेंगे सो कि मैं इसकी जानकारी आपको कल तक भिजवा दूं नहीं बिल्कुल मैं अभी कहीं अभी बता दूं आपको जी नाइन फोर वन फाइव जीरो नाइन फोर वन फाइव जीरो जी टू एट जी सिक्स वन जीरो सिक्स वन जीरो अच्छा yes. और आप एक नंबर यदि नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें श्री अच्छा सुभाष शर्मा जस्ट बताइए आप हाँ श्री सुभाष शर्मा उनका मैं नंबर दे रहा हूँ जो इस प्रोजेक्ट के नेशनल टीम लीडर हैं ओके उनसे आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और एक मिनट आप होल्ड करें हाँ उनका नंबर है जीरो डबल नाइन डबल नाइन फाइव थ्री जीरो जी ये आपको कल कांटेक्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में राष्ट्रीय कृषि बाजार में के बारे में आपको जितनी भी हैं हाँ, वो आपको दे देंगे ठीक है वेरी वे थैंक यू वेरी मच थैंक यू और बाकी जो जब हम वहाँ पे लेके पहुंचेंगे तो जो उसका प्रोसेस होता है जो कोई समय सीमा निर्धारित की गई है क्या इसके लिए जब ये अपनी फसल मंडी में लेकर पहुंचेंगे तो जब तक इनकी पूरी ट्रेडिंग होगी तो, उसमें कोई समय सीमा भी निर्धारित है या फिर कितना समय लगेगा उसके बारे में जानकारी देखिए जानका। अब ये अब ये डिपेंड करता है कि उत्तर प्रदेश आपको पिछले साल ई नैम में जुटा है अब धीरे धीरे ई नैम की जो प्रगति है उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हो रही है यदि आप एक आम जेंट्स अब ये जेंस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर उसके ट्रेडर कितने हैं और बाहर के व्यापारी कितने उसमें पार्टिसिपेट होते हैं एक टाइम स्लॉट दिया गया है जो सामान्यतः दो घंटे का होता है उस दो घंटे में, में उसकी डिफरेंट फेजेस में उसकी ऑक्शन कराई जाती है और जब सक्सेसफुल ऑक्शन हो जाता है उसके बाद किसान भाइयों को जो उनका ऑक्शन प्राइस है वो इंटीमेट कर दिया जाता है जब किसान भाई उससे सहमत हैं तब उन्होंने यदि सहमति की कन्फर्मेशन दी तो उस सौदे को पूर्ण आ, 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 करार दिया जाता है जी बिल्कुल तो देखिए अनंत चौधरी जी आपके सवाल का जो जवाब है वो आप तक पहुंच चुका है और अन्य किसान भाइयों बहनों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आपने देखा कि हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ पर आते हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान हर स्तर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं तो अगर आपके पास भी कोई परेशानी है कोई सवाल है तो आप बिना हिचक के हमें कॉल कीजिए अपने सवाल हमारे सामने रखिए और हमारे विशेषज्ञ यहाँ से पूरा पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुँचाने का तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो डॉक्टर सुधाकर आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ 2018 में अगर हमारे किसान आपने कहा था कि इकतीस जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं इसका लाभ ले सकते हैं तो कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनका बीमा करवाया जा सकता है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फसल बीमा योजना राज्य सरकार लागू करती है तो इसके लिए राज्य सरकार एक राज्यादेश लाती है जो बहुत से राज्यों में भी प्रोसेस में है कुछ कुछ राज्यों में इसका राज्यादेश आ चुका है तो वो बताती है कि किस ग्राम पंचायत में किस किस फसल का बीमा निश्चित करना हो सुनिश्चित किया गया है तो इसके लिए उनको अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से या सबसे नज़दीकी जो बैंक की शाखा है वहाँ जा के पता कर सकते हैं कि वहाँ कौन सी कंपनी कार्य कर रही है और किस किस फसल का बीमा वहाँ निर्धारित किया गया है जी तो और मुख्तार इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी प्रमुख फसलें उस ग्राम पंचायत में उगाई जाती हैं उन सभी का जो है नोटिफिकेशन होता है उनका बीमा किया जाता है जी तो उस ग्राम पंचायत की जो मुख्य फसलें हैं उनका बीमा जो है वो निश्चित तौर पर किया ही जाता है और अगर इसके संबंध में कोई जानकारी भी लेना चाहते हैं वो तो वो जिला अधिकारी से संपर्क कर, कर सकते हैं साथ साथ ही जिला कृषि अधिकारी से और साथ ही साथ बैंक में जाकर भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते और एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा की सी एस सी कॉमन सर्विस सेंटर आजकल जी हर पांच गाँव पे चार गाँव पे खुला हुआ है जी उसको भी योजना में शामिल कर लिया गया है जो भी वहाँ भी जाकर किसान भाई उसे जानकारी ले सकते हैं फसलों के बारे में जानकारी ले सकते, ले सकते हैं।, हैं जी बिल्कुल तो कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हैं हमारे किसान और वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल बढ़ते हैं आगे कॉल कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के सागर से हमें कॉल किया है कैलाश सिंह जी ने आइए उनका सवाल ले, ले लेते हैं हेलो मैडम जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हेलो मैडम मैं मध्य प्रदेश जिले साजापुर से बोल रही जी हाँ मैडम जी अपना प्रश्न पूछिए कैलाश सिंह मैडम जी कैलाश मैडम ये हमारे गांव में, में जो जी शिला जिला सहकारी बैंक है ना मैडम गोल्डन लगती साका? उसमें सर मैडम ये बीमे के मतलब एक हेक्टेयर पे नौ सौ साठ रूपए ले रहे बीमे के पैसे जी बैंक के में जिला सकारी बैंक के में सवाल मतलब क्या है आपका आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं तो इसके लिए मतलब इतने पैसे मतलब नौ सौ साठ रूपए तो वो जानना चाहते हैं कि नौ सौ साठ रूपए किस चीज के लिए जा रहे हैं देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सही है कि गलत है हाँ, एक हाँ, देखिए ये किस खरीफ की बात कर रहे हैं हाँ, किस मौसम किस, किस तारीख बताएंगे हाँ, मतलब गया गया? मतलब हाँ आपसे कैलाश जी ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं आपसे पैसे लिए गए हैं तो ये कब लिए गए थे आपसे पैसे अभी मैडम अभी हमने जब ये पैसा जमा करने बैंक में जब वो तारीख बताएंगे किस दिन बताएंगे आप तारीख मैडम लिखी हुई पासबुक में तो, तो आप हमें बताइए ना कौन सी तारीख है तो पासबुक अच्छा मार्च है या फिर मई है मार्च में तो अप्रैल दो हजार अठारह पच्चीस अप्रैल दो हजार पच्चीस अप्रैल दो हजार अठारह पच्चीस मई दो हजार अठारह मैडम पच्चीस मई दो हजार अठारह पच्चीस मई है दो हजार अठारह मतलब दो हजार के लिए बीमा की आपके खाते से ली गई है तो आप ये जान लें कि जो जिस भी जिले में आप हैं उस जिले में खरीफ मौसम में जहा मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है धान होता है और कुछ और फसलें हैं उद उड़द वगैरह हैं तो इसमें जिलेवार बीमित राशि तय की जाती है जो कि बैंकर्स कमेटी है जिले में वो तय करती है जितना वो लोन देती है एक फसल के लिए वही उसका सब इंसमित राशि होती है उसका दो प्रतिशत प्रीमियम किसानों से लिया जाता है तो आप देखेंगे जिस फसल के लिए भी आपने लोन ले रखा है उसका जो भी आपने सब इंस बना रखा है उसका दो प्रतिशत राशि इतना आता होगा अगर आप एक से ज्यादा फसल के लिए हुए हैं जिस जितना क्षेत्रफल के लिए हुए हैं उस सब हिसाब लगाएंगे तो आपको ये अमाउंट वहां बैठेगा और इसके अलावा कुछ और भी है तो आप बैंक शाखा से जाके बात कर सकते हैं कि वो पैसा किस लिए काटा गया है जी तो हम अंदाजन ये कह सकते हैं कि ये खरीद 2018 के लिए जो प्रीमियम दर है वो आ, काटी गई है गई इनके गई। अकाउंट से बिल्कुल तो देखिए कैलाश जी अभी तो अभी हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ से बता दिया है और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए आप अपनी बैंक शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं वहां पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं बिल्कुल सुधाकर जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं फसलों के बारे में जानकारी के लिए कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर वो बीमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या यही जाना पड़ेगा लोगों से ही संपर्क करना पड़ेगा या फिर कहीं और भी है इस मौसम के लिए देखिए दो तरह किसान है एक ऋणी है, दूसरे अरीनी है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती उनकी सारी जमीन की जानकारी बैंक सारी जानकारी बैंक के पास होती है और किस किस फसल के लिए उन्होंने लोन ले रखा वो भी जानकारी उनकी होती है तो बैंक जो है उनका उचित समय पर अगर नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने कर रखा है तो जिस फसल का नोटिफिकेशन किया है वो बैंक अपने आप प्रीमियम काटेगा और संबंधित बीमा कंपनी को भेज देता है और इसमें किसान भाई को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है जैसा अभी कुछ एक किसान भाई पहले भी पूछ रहे थे कि उनके बैंक ने बीमा नहीं किया था तो बैंक वाले को जाके सही समय पर जागरूक करें कि आप उनका पैसा सही समय पर काटें और बीमा कंपनी को भेजें और दूसरे वो किसान जो प्रमुख हैं जो बीमा जो ऋण नहीं लेते हैं तो उनके लिए है या तो जहाँ पर उनका सेविंग बैंक अकाउंट है वहाँ जाएं उस बैंक में जाएं या भारत सरकार ने आजकल फसल बीमा का एक पोर्टल चालू किया हुआ है वहां भी जाकर के डायरेक्ट बीमा पोर्टल से भी करवा सकते हैं जी। तो तीसरा है कॉमन सर्विस सेंटर जो कि हर गांव में आजकल अमूमन मौजूद है वहां से भी बीमा ले सकते हैं और चौथा है अगर आप प्रपोजल फॉर्म आती है हर कंपनी की जिस उस जिले में जो भी कंपनी काम कर रही है प्रपोजल फॉर्म भर करके सीधा बीमा कंपनी को भी आप भेज सकते हैं तो इतने तरह के रास्ते हैं जहाँ से आप बीमा करवा सकते हैं जी बिल्कुल तो कहाँ से आप संपर्क करके बीमा करवा सकते हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया आइए बढ़ते हैं आगे कॉलर कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमें कॉल किया है मध्य प्रदेश राजा राम जी ने आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं हेलो हेलो जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हम ये पूछना चाहते हैं की अगर हम बैंक से लोन नहीं लेते हैं फसल के लिए तो फिर हमारा बीमा कहाँ होगा फसल का जी बिल्कुल डॉक्टर सुधाकर आप, बताएं आप बैंक से लोन नहीं लिए हैं या लिए हैं तो फसल का बीमा हम नहीं नहीं आपने बैंक से लोन नहीं लिया है आ, हाँ।, हाँ अगर नहीं लिया है तो आपके लिए कई सारे चैनल हैं एक तो प्रमुख है जहाँ पे आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उस बैंक से भी करवा सकते हैं दूसरा दूसरा है जो गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से भी करवा सकते हैं या भारत सरकार की जो बीमा की एक पोर्टल बना रखी है पी पोर्टल वहां से भी डेटा एंट्री करके काम करवा सकते हैं या जो संबंधित बीमा कंपनी आपके जिले वे में कार्य कर रही है उस बीमा कंपनी में सीधे जाके वे वे भी बीमा करवा सकते हैं जी बिल्कुल और इसके लिए ध्यान देने की बात यह है कि आपके पास जमीन होनी चाहिए जमीन के कागजात जिस जमीन पे आप खेती करना चाह रहे हैं वो आपके नाम हो या अगर बटाई पे ले रखे हो तो बटाईदार से आपका कुछ समझौता हो रखा हो दूसरा जो फसल आप उगाना चाह रहे हैं जिसका बीमा लेना चाह रहे हैं वो फसल आपने उगाई हो उसकी एक अंडरटेकिंग होती जी, है बिल्कुल डॉक्टर सुधाकर रा, राजा कुछ और भी प्रश्न करना चाहते हैं वो भी ले लेते हैं हो, जो मतलब? जी वो कहाँ बीमा करवा सकते हैं इसी के बारे में पूछना चाह रहे थे देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि एक आपके गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर होगा कॉमन सर्विस सेंटर है इसमें कई नाम से जाना जाता है हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है जन सुविधा केंद्र तो के है तो हाँ सोसाइटी में अगर आप मेंबर हैं तो आप हाँ। इसका मतलब आप लोन लेते हैं आपने ऋण सीम, सीमा बनवा रखी है सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपने ऋण सीमा बनवा रखी है तो सोसाइटी वाले अपने आप बीमा करेंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ सोसाइटी वालों को कहें कि सही समय पे प्रीमियम काटें और अपने जिला सहकारी बैंक को प्रेषित करें जिला सहकारी बैंक उसको सबको इकट्ठा करके बीमा कंपनी को भेजती है जो सोसाइटी है उनको कहिए कि आपका बीमा करें और कोऑपरेटिव बैंक को भेज दें जी मैं आपसे सोसाइटी वाले हैं कह रहे हैं कि बीमा करने हैं जी मैं आ, एक आ, जी बिल्कुल राजा राम जी आप कुछ कह रहे थे एक बार फिर दोहरा दीजिए ये कह रहे हैं कि जैसे हमने बैंक से कार्य नहीं उठाया है कोई हाँ? भी और यदि हमको बीमा करना है तो फिर कहाँ करेंगे हम बैंक में या सोसाइटी पर या कहीं कहाँ पर जी वही हमारे विशेषज्ञ जो हैं लगातार यहाँ से बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं वो जान अभी आपने बता दिया कि अगर वो उन्होंने ऋण लिया हुआ है तो वो सोसाइटी में संपर्क कर सकते हैं अब आप इन्हें एक बार फिर बता दीजिए कि अगर इन्होंने लोन नहीं, नहीं लिया, लिया हुआ है तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये बीमा करवाते हैं तो उसके बाद इनको कोई पर्ची वगैरह भी मिलती है जिसके हिसाब से ये आगे बता सकें कि हमने बीमा करवाया हुआ है देखिए अगर आपने ऋण नहीं लिया हुआ है तो आप जब कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे जैसे ही आपका सारा जानकारी उसमें भरी जाएगी तो कॉमन सर्विस सेंटर वाले एक पर्ची देते हैं एक, एक स्लिप कहते हैं वो तुरंत जारी करते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि आप किस फसल का बीमा हुआ है कितना पैसा आपसे लिया गया है और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं छोटी मोटी बातें उसमें लिखी होती हैं और अगर आप बैंक में जाते हैं बीमा करवाने के लिए जहाँ आपका खाता होना चाहिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट होनी चाहिए तभी आपका वहाँ बीमा हो पाएगा जी बचत खाता होनी चाहिए जरूरी है जी और आप चाहें तो किसी भी चैनल का इस्तेमाल ना करें सीधे भारत सरकार के पोर्टल में जाएं वहाँ सारा जानकारी अपनी भरें वहाँ से भी आपको रसीद वहाँ प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं आपकी जान रसीद मिल जाएगी आपको या फिर बीमा कंपनी में भी जा सकते हैं बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आपके जिले में अवश्य होगा उनसे भी संपर्क करके आप बीमा करवा सकते हैं जी बिल्कुल तो राजा राम जी इतने सारे तरीके जो हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिए हैं आप कहां कहा संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं आइए बढ़ते हैं आगे एक कौल और कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से ही राजू जी ने हमें कॉल किया है उनका सवाल ले, ले लेते हैं हेलो 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 जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप मैडम हम पूछना चाहते हैं मैडम मैं पूछना चाहते बकरी बकरा क्या बिक्री अंतरराष्ट्रीय बाजार में कर सकते आप पशुओं की बिकवाली के बारे में बात कर रहे हैं जी राजू जी आप पशुओं की बिकवाली के बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में इस दि, इसको दि, भी सम्मिलित किया दि, गया है जी सुनील जी मेरी जानकारी के अनुसार अभी पशुओं को नहीं शामिल किया गया है जी तो राजू जी अभी फिलहाल राष्ट्रीय कृषि बाजार में आप केवल अपनी फसलों की ही बिकवाली कर सकते हैं अगर जहाँ तक पशुओं की बात है तो अभी उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है बिल्कुल तो हमारे विशेषज्ञ ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है हम उम्मीद करते हैं कि उनके जवाबों से आप अवश्य ही संतुष्ट होंगे आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में ही तो सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान जो हैं इसे जुड़ना चाहते हैं जैसे अभी आपने बताया कि काफी लाभान्वित हो सकते हैं okay. तो क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है ताकि जैन. किसान इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके जी हाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई मंडी इस राष्ट्रीय कृषि बाजार में जुड़ती है तो उसके आ, तीस चालीस किलोमीटर के दायरे में विभिन्न पंचायतों में तथा गाँव में मंडियों में गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जहां पर इसके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए उसके बारे में सूचनाएं देने के लिए इसके बारे में इसके क्या लाभ हैं जो किसान उठा सकें उसके लिए मंडियों में तथा गाँव में एक दिवसीय शिविर ऑर्गेनाइज किया जाता है इस शिविर में जो राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रशिक्षक हैं वो गांव-गांव में जाकर के लोगों को फिल्म के माध्यम से पैम्पलेट के माध्यम से तथा अन्य सूचनाओं के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के फायदे के बारे में बताते हैं जी। और यह इसका राष्ट्रीय कृषि बाजार को लागू करने के साथ साथ इसके बारे में प्रचार प्रसार और वह प्रशिक्षण उतना ही जरूरी है जितना बाजार में व्यापार होना इस बारे में काफी कदम उठाए जा रहे हैं जी बिल्कुल ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके इसके लिए जरूरी है कि वो इसको इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में प्रशिक्षण भी ले लें तभी वो इसकी बारीकियों को जान पाएंगे और अपने लिए इसे फायदेमंद बना पाएंगे बिल्कुल बढ़ते हैं आगे एक कौल और कॉलर जुड़ गए हैं गुजरात से वीरेंद्र जी ने हमें कॉल किया है आइए उनका प्रश्न ले, ले लेते हैं हेलो 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 लगता है वीरेंद्र जी से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है कोई नहीं हम बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश जी ने हमें कॉल किया है उनका प्रश्न हम ले, ले लेते हैं यहाँ पर हेलो जी 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 कमलेश जी, 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 कमले जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते है? हैं मैडम जैसे हमने दो में सोयाबीन का फसल का बीमा करवाया था जी तो उसमें जैसे पॉलिसी फसल गई थी तो पॉलिसी का पैसा अभी तक नहीं आया यानी दूसरा सीजन आ गया

दस दिन के अंदर मुझे ख्याल से आपके खाते में आ जाना चाहिए अगर आपको दावा बनता होगा तब ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपका दावा नहीं बनता हो तो आपको फिर पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे जी बिल्कुल वीरेंद्र जी देखिए हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि अगर दावा के हकदार हैं आप तो वो जल्द से जल्द आपके जो बचत खाता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर दावे के हकदार आप नहीं हैं तो उस केस में जो पैसा है उसकी भरपाई जो है वो नहीं।, नहीं हो पाएगी बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सुधाकर आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या क्या वो दस्तावेज़ हैं जिसके लिए जो जरूरी होंगे हमारे किसान अगर बीमा करवाना चाहते हैं तो बीमा करवाने के लिए मुख्य दो कागजात की जरूरत है एक तो जिस जमीन पे आप फसल उगा रहे हो वो आपके नाम से हो या आपको उसका राइट आपको दिया गया हो चाहे बटाईदार के रूप में या पट्टे के रूप में जिस रूप में भी दूसरा जो भी फसल आप वहाँ बीमा करवाना चाह रहे हो वो आप उसको वही फसल उगा रहे हैं उसका एक सर्ट आपको अंडरटेकिंग देनी होती है या फिर किसी राज्य के अधिकारी से उसको स्विंग सर्टिफिकेट कहते हैं वो देनी होती है और तीसरी है आपकी पासबुक पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह अंकित हो वो भी देनी होती है ताकि अगर दावा बने तो आपके उस खाते में पैसा, पैसा से में पैसा, ट्रांसफर करने मदद मिल सके तो ये अगर कागजात आपके पास हैं हैं तो आप आसानी से बीमा करवा सकते हैं। जी बिल्कुल तो क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ेगी इसके बारे में अभी आपको जानकारी मिल गई आइए बढ़ते हैं आगे एक और कॉलर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से अमित जी ने हमें कॉल किया है उनका प्रश्न ले लेते हैं हेलो हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रश्न मेरा यह है मैडम की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बढ़ चढ़ करके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पूरे देश में बढ़ चढ़ करके जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो संभवतः लागू भी हो रहा है जी, लेकिन हमारा खरीफ और रबी दोनों में प्रीमियम करता है जी, उसके बाद से उसमें ऐसा भी प्रचार होता है कि इंडिविजुअल बीमा हो रहा है इंडिविजुअल अगर कुछ नुकसान होगा तो उसका क्लेम मिलेगा लेकिन, लेकिन हमारे क्षेत्र में मार्च के महीने में लास्ट में आंधी और बारिश आई जिससे रबी की फसल में नुकसान हुआ तो मैं संबंधित एजेंसी पे गया था हमारे यहाँ एस लाइफ इंश्योरेंस बीमित कंपनी थी तो उनके पास क्लेम करने गया था वो बोले कि ऐसा इंडिविजुअल कहीं नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जब तक हमको ऑर्डर नहीं आएगा जीओ में तब्दील नहीं मतलब चेंज नहीं होगा तब तक इसकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पुरा नहीं है तो ये क्यों बढ़ चढ़ के प्रसार प्रसार हो देखिए आप ये जो बढ़ चढ़ के प्रसार नहीं हो रही है उसमें कुछ बातें शायद आपको जानकारी नहीं है जो इंडिविजुअल स्तर पे बीमा है वो सिर्फ तीन कारकों के लिए है एक तो है ओलावृष्टि दूसरा है जल प्लावन और तीसरा है भूस्खलन इन तीन कारकों से अगर आपके खेत में नुकसान होता है तो आप संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करेंगे अड़तालीस घंटे के अंदर तो बीमा कंपनी जो है फिर उसको सर्वे का व्यवस्था करेगी उसमें स्टेट की भी एक अधिकारी होते हैं आप भी उसमें होते हैं बीमा कंपनी के आदमी होते हैं ये तीनों मिल करके सर्वे करते हैं बसरते कि सिर्फ तीन जो तीन कारण मैंने गिनाए उसी कारण से नुकसान हुआ हो अगर अगर आपकी फसल खड़ी है अगर आपने फसल काट रखी है उसको सुखाने के लिए छोड़ा हुआ है चौदह दिनों तक और उस समय अगर असामयिक वर्षा होती है काटने के बाद और उसके कारण आपको नुकसान होता है तो भी आप फिर इंडिविजुअल के लिए सूचना दे सकते हैं इन चार कारकों में सिर्फ जो है इंडिविजुअल का प्रावधान है बाकी कारकों से अगर नुकसान होता है जैसे आपने बताया आंधी आ गई बारिश आ गई तो उस कारण से जो है इंडिविजुअल स्तर पे नहीं है ये एक बीमित क्षेत्र स्तर पे है वो जो कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पे लागू है खरीफ में भी और रबी में भी तो ग्राम पंचायत में उपज के आंकड़े जब बीमा कंपनी को मिलेगी अगर आंकड़ों में पिछले सालों की तुलना में अगर कमी पाई जाएगी तो सभी संबंधित बीमित किसान को समान दर से बीमा की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है जी बिल्कुल तो देखिए अमित जी आपके सवाल का जवाब आप तक तो पहुंच गया है आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय निर्धारित किए गए हैं हमारे किसानों की फसलों के लिए तो उनकी परख मंडियों में किस प्रकार की जाती है देखिए अभी आम मंडियों में जब किसान किसी भी जींस को लेकर जाता है वह किसी भी क्वालिटी का है वह उसकी ट्रेडिंग होती है लेकिन मुझे किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि जब भी आप अपने जिन्स को अपने गांव से लेकर मंडियों की तरफ लेकर जाएं तो उसको अच्छी तरह से सुखा करके तथा यह देख लें कि उसमें ज़्यादा खर पतवार मिट्टी या अन्य जो नॉन एफिक्यू के चीज़ें हैं उसमें ना रहें क्योंकि व्यापार आपके जो कृषि उत्पाद हैं क्वालिटी के अनु अनुसार ही खरीदता है अब यदि मान लीजिए आप समर्थन मूल्य योजना में अपनी बिक्री करना चाहते हैं तो समर्थन मूल्य योजना के विभिन्न एफेक् पैरामीटर्स हैं और यदि आपके जिन्स और जो भी उत्पाद आप लेकर गए और उस मापदंड में उतरते हैं तब आपको समर्थन मूल्य योजना के तहत आपको राशि का भुगतान किया जाता है लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि किसान भाई बिना उसे साफ़ सुथरा किए हुए लेकर के आते हैं जिससे उन्हें उचित दाम मिलने से वंचित रह जाते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार में यह आ, इस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि किसी किसान का उत्पाद निम्न स्तर का है या फिर निचले स्तर का है तो वह उसे साफ़ सफाई करके एक अच्छे मानक का बना करके आप उसे बेच सकते हैं मैं एक उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि यदि आप 100 किलो सरसों लेकर गए उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है तो मान लीजिए आप समर्थन मूल्य योजना के हकदार नहीं हो पाते हैं यही दो किलो मिट्टी यदि आप उसको छलनी से या किसी भी तरीके से सफ़ाई करके उसको ले जाते हैं तब आपको चार हज़ार रुपये का समर्थन मूल्य मिलता है और यदि आप उसको लेकर के नहीं जाते हैं तो वहीं आपको बत्तीस सौ से तैंतीस सौ रुपये के दर पर एक आम व्यापारी को बेचना पड़ता है तो आप दो किलो के वेट लॉस से यदि आप नाइन्टी एट किलो में आपने अच्छे दाम पाए तो अंततः आप ही लाभान्वित हुए तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने जींस को लेकर के जाएं साफ सुथरा और उसे इस तरीके से लेकर के जाएं जब भी कोई उसे व्यापारी या फिर सरकारी एजेंसी खरीदती है तो उसे आपको दाम देने में ही हो जी बिल्कुल तो क्वालिटी का जो मूल्य है एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से कुछ बिहारी जी ने हमें कॉल किया है आइए उनका प्रश्न ले, ले लेते हैं हेलो जी मैडम जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं मैडम मैं पूछना था जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है हम अगर मयूर धान या गेहूँ लगाते हैं तो उसकी फसल बीमा योजना की जानकारी ले कहा से मैं संपर्क होगा। कैसे जानकारी जी, सुधाकर जल्द से कम शब्दों में आप बता दीजिए क्योंकि समय का अभाव है अगर आप योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संबंधित जिला कृषि अधिकारी के पास जाएं जो आपके सबसे नजदीक में बैंक की शाखा है वहाँ जाएं आप सबसे नजदीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाएं या एक टोल फ्री नंबर है हमारी कंपनी का वो लिख लें एक आठ शून्य शून्य एक शून्य तीन शून्य शून्य छ एक इस पे कॉल करके आप पूरी जानकारी योजना के बारे में ले सकते हैं जी बिल्कुल तो कुंज बिहारी जी आप इनकी कंपनी के टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक शून्य तीन शून्य शून्य छ एक पर भी कॉल कर सकते हैं साथ ही साथ अन्य कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया और इसी के साथ मैं हमारे दोनों विशेषज्ञों का धन्यवाद देना चाहूंगी आपने हमारे किसानों के इतने विस्तार पूर्वक जवाब दिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो किसान भाइयों बहनों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो किसान जिसमें हमने विस्तार से जानकारी आपको पहुंचाई राष्ट्रीय कृषि बाजार और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आइए कल के हमारे कार्यक्रम का जो विषय रहने वाला है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कल के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा धान की उन्नत किस्में और पौधशाला प्रबंधन जी हाँ साथ ही साथ हम बात करेंगे पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण पर भी धान की उन्नत किस्में और पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण और इन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल हैीमेल डॉट कॉम फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर जाइए हिंदी पे टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल और सुझाव पोस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ डीडी किसान कॉल सेंटर के जरिए भी आप अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा सकते हैं उसका नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः शून्य जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह छः बजे से रात के दस बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं तो किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारी हमने आपको दी है उससे आप अवश्य ही लाभ लेंगे कल के हमारे कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है जो भी सवाल हैं आपके आप तैयार कर लीजिए कल मुलाकात करेंगे आपसे छह बजे और फिर आपसे जो भी सवाल आपके होंगे उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे तब तक लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ नमस्कार